इज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं एक्चुअली ड्यू टू सम इशू मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाया था यार, ना मैंने कोई सुबह से मैच कवर किया। अभी कवर कर रहा हूँ एक पिछला और एक ये भाई यूएफई यूथ लीग का। एक्चुअली ये यूथ लीग का मैच है। एक तरफ देखा जाए तो 19 साल के तो भाई नाम से फुटबॉलर ज़रूर है, लेकिन है तो भाई अंडर एजीडी फुटबॉल के लिए, क्योंकि 19 साल के बाद जब वो अंडर 20 के बाद सीधा किसी डोमेस्टिक टीम में जाएंगे, अभी उनके लिए बेयन मनीच है तो सिर्फ बेयन मनीच ही है। मतलब ऐसा है कि अगर वो इसी टीम के साथ रहेंगे और जो ओएलवाई के साथ है वो पूरा स्ट्रेस इन पर ही करेंगे, क्योंकि ये शायद इसी कंट्री से शायद बिलोंग करते होंगे, तभी डायरेक्टली बेयन मनीच ने इनको खिला लिया। तो बात करें, देखिए भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी अपकमिंग टीम इधर आएगी, ना मैं सुबह से किसी का रिप्लाई दे पाया भाई, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है इतने मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, मैंने भी टेलीग्राम लिस्ट खोली थी भाई, पूरा आपने भर दिया है चैट लिस्ट। अब मैं एक एक करके आपको रिप्लाई दूंगा जो भी आप पूछ रहे हो। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने मैच एनालाइज किया था। एक्चुअली आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन तभी मैं सुबह के मैच नहीं कवर कर पाया, ये था मेन रीज़न। तो मैंने ये कवर किया और ये लिटरली में एक जैकपॉट मैच है। बड़ी मुश्किल से इसके स्टैट्स मेरे को मिले, बट मिल ही गए, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आपको लेके। यू नो कि दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। दोनों टीम्स के बीच 2019 के बाद अब मैच हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो 5 साल बाद, और जिसके अंदर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। जो पहले अंडर 19 में थे, अब उनकी है 24-25 साल हो चुकी होगी, तो ये तो बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो एकदम नए प्लेयर हैं, तो मैंने पूरा एनालाइज़ किया जितना मेरे से हो सकेगा। मैंने जैसे जैकपॉट बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई पूरी अपनी इमानत लगा दो, ये मत करा करो यार। जैकपॉट का मतलब होता है विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये नहीं। जैकपॉट का मतलब ना लोगों के दिमाग में ये है कि सारा लगा दो, ये चीज़ बहुत गलत है। मैं आपको किसी को भी फोर्स नहीं करता, मैं आपको बोलता हूँ जैकपॉट मतलब है कि जिसमें चांसेस ज़्यादा हो, जो मैच अच्छा हो। इस जैकपॉट का मतलब ये होता है जिसमें हमें नॉलेज हो, सामने वाले को ना हो, इसको बोलता हूँ मैं जैकपॉट। उसके बाद मैं सबसे पहले स्ट्राइकिंग की बात करता हूँ। देखो भाई मैं बेयन मनीच को बहुत अच्छी तरह एनालाइज़ कर रहा था, मुझे इनके तीन प्लेयर बड़े ज़बरदस्त लगे। एक मेरे को लगा भाई इनका एमिरन, उसके बाद एक मेरे को लगा रैमसक, वो खेलता कम है, और एक जे कुसी असारे के सबसे ज़्यादा गोल हैं। कहने को ये अभी हाल ही में मैंने इनके कुछ मैचेस देखे, उस बंदे ने क्या गेम प्ले दिया है भाई। एक तो जर्मन की लीग है, ऊपर से बेयर्न मुनिच जर्मन की टीम है, और बेयर्न मुनिच उनकी मेन टीम है ओरिजिनल में, और अंडर 19 में भी इस टीम में बहुत दम होगा मेरा ये सोच कह रही है, तो मैं इसको लूँगा। उसके बाद मैं ईद अमेरिकन को अभी हाल ही में कोई मैच नहीं खेलते देखा, मैं लास्ट के मैच एनालाइज कर रहा था, तो लास्ट एक डेढ़ महीने पहले देख रहा था, तो अमेरिकन एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तो मैं इसको लूँगा। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो उनके दो प्लेयर बहुत अच्छे हैं। एक है उनका ये वाला प्लेयर जिसका नाम है क्रिस्टोस, और एक इनका प्लेयर है सी कॉस्टलॉस, ठीक है। इन दोनों में तो बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप इन दोनों में से किसी को भी लेते हो तो आपकी जीत आ सकती है, मतलब वो गोल कर सकता है, तो मैं इसके साथ सेफ जाऊंगा। उसके बाद मैं मिडफील्डिंग की बात करूं तो मेरे को मौजी बहुत नॉर्मल लगता है, सी मोजाकिटी से एक नॉर्मल प्लेयर है। उसके बाद इनके और मैं एनालाइज़ कर रहा था तो मेरे को कोई इतना खास दिखा नहीं, एक प्लेयर दिखा था और ये भी कभी कभी गोल करता है, एस्पिनेव मॉन्डिस एक नॉर्मल प्लेयर है। ऑपोजिशन टीम की बात करें, इसको मत छोड़ देना भाई, अगर आपने एल जवानेरक को छोड़ दिया तो आपका गेम तक छूट सकती है, मतलब आप हार जाओगे, क्योंकि बड़ा मेन प्लेयर है। और उसके बाद बात करें तो मैं काफ़ी एनालाइज़ किया और मेरे को इनका कोई खास ढंग का प्लेयर नहीं दिखा, मतलब मेरे को जो दिखे मैंने आपको बताया। मेरे को जवानेरक अच्छा लगा, मैंने आपको बताया। बाकी जे फर्नांडिस तो ये है कि वो सब लेंगे तो हम भी लेंगे, ये बात है, मतलब उसकी में कुछ खासियत नहीं है, खासियत जिनमें है वो मैंने आपको बता दिए। डिफेंडिंग की बात करें, विमर के बाद पीस कॉल, मैं मनुबा के साथ नहीं जा रहा क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला आदमी हूँ, तो मैं स्कोल्स को लूँगा। बात करें गोलकीपिंग की तो सिन्हा के साथ जाऊंगा। एंड बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन चुपचाप से जेकुसी असारे को रख लो, गलती मत करना। वाइस कैप्टन दो में से एक ऑप्शन दे रहा हूँ, या आप रख लो एल जवोनेरक को, या रख लो ई दमिरकन को। मैं दमिरकन के साथ हूँ, ये मेरी टीम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।